आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में। मासिया कितना बड़ा और सुंदर है ना। हाँ, ये बहुत ही सुंदर सरोवर है। सरोवर में नहाने के बाद हम चले गए थे कात्यायनी देवी मंदिर। जय माता दी। और ये मेन रास्ता है जो सभी घाटों को जोड़ता है। और हम स्पेशली गए थे कौशल्या घाट में। कौशल्या घाट में यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और अर्जुन का रथ बना हुआ है। ये महाभारत के सीन की ही एक रिफ्लेक्शन है जिसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे सभी अंकल ग्रुप में बैठ के हंसने वाला योगा कर रहे थे क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम था। एंड जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम सुबह सुबह ही ब्रह्म सरोवर पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे द्रौपदी कूप। जस्टिस हो रहा है, मतलब ये टेम्पल है, दिस इज अ टेम्पल एंड ये सन है। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। ये देखना, दिख नहीं रहा है, मतलब नाइस फोटोग्राफी, वेरी गुड। मेरी छत्र छाया में बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर, अच्छा है। एंड ये इसमें सिंगल ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक की है, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। सो बेसिकली ना, हमारे पास सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम था इस जगह को एक्सप्लोर करने का। एंड शाम को हमारी हरिद्वार की ट्रेन थी। हमने यहाँ पे बहुत ही पीसफुली अपना टाइम निकाला क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। एंड द बर्ड्स आर ऑल्सो चर्पिंग एंड बहुत ही शांति थी। यहाँ पे तनिष्का ना पापा की सबकी फोटोज खींच रही थी, बट ये मोमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने इसे कैप्चर कर लिया। और ये सुबह का टाइम ही है, अभी 7 बज रहे हैं। ये दोनों इंसान है यहाँ पे बैठ के योगा कर रहे हैं। मैं कब से इनको नोटिस कर रही हूँ, दिस इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। ये आपका इंतजार था। बोल क्या कंप्लेन है आपकी, क्या कंप्लेन है? मम्मा का फोन लेना, चल पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक हो जा रही है। पसंद है एक्स्ट्रा HD? देख लेते हैं दुकान होगी तो। हाँ नॉन है तो छोले कुछ खा लेते हैं, खमीरे बड़े जो वो कुछ हमने घर से लाए हैं, थोड़े उसके साथ खा लेते हैं। सब्जी लेने आया और बैठने की जगह चाहिए, और क्या ब्रेकफास्ट। छोटा सा बनाया हुआ मिनीचर टाइप बनाया उन्होंने, द्रौपदी वाला सीन वहीं पर हुआ। चलो फिर दिखाते हैं। हाँ बार बार थोड़ी आना हमने देखने के लिए। तीनों प्रो एक कैम एक एक फ्रेम। हाँ कौन सा देवी दयाल मंदिर, जलंधर में मंदिर है माता का। भूख लगी, जोर की भूख लगी। और ईशा शर्मा ने बहुत अच्छा आउटफिट लगाया आज, बहुत अच्छी लग रही है, रेड रेड में। और आरू येलो डर्टी फैलो नहीं लग रहा बिल्कुल। दादू अब क्या नाम है उसका मंदिर का, कहाँ जा रहे हैं? प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप, बोला ना मैंने, यहाँ पे द्रौपदी कूप हुआ है, कूप पूप हुआ है, सॉरी। अब हम आ चुके हैं प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप में। और कहा जाता है कि इस एरिया में आकर ना पांडवों ने गुप्त दान किया था। और इस कुएं को बोला जाता है संजीवनी कूप। इस कुएं की एक स्टोरी है, बट उससे पहले ना हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। ये मंदिर है खाटो श्याम जी का, जो कि पांडवास के एक ही भाई भीम के पोते थे। और इनका नाम था राजा बर्बरिक, और इन्हें राजस्थान में खाटो श्याम जी भी बोलते हैं। ये रास्ता जाता है द्रौपदी कूप में, जहाँ पे एक बड़ा सा रहता है। प्राचीन मंदिर है, किस चीज का कुआं है? द्रौपदी का। अच्छा अच्छा, यहाँ धोए थे बाल उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा जब दुशासन को मारा था ना। अच्छा अच्छा, बाल धोए थे दुशासन को मारने के बाद। ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने कुएं के अंदर कॉइन्स पैसे फेंके हुए थे क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। और बहुत सारे लोग ना अपनी विशेष पूरी करने के लिए यहाँ पे रेड मोलक बांध के जाते हैं। तो बेसिकली इस जगह की स्टोरी ये है कि दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी के केश पकड़ पकड़ के उनको अपमानित किया था। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन के खून से अपने केश धोए थे और उन्होंने यही कसम खाई थी। और यहाँ आके उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी होती है। हमारा ना नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है हरिद्वार, जिसमें हमने ना गंगा स्नान, वो देखना मत भूलना। यहाँ पे नानू नानी भैया मासी लास्ट टाइम अपने ऊपर सरोवर का पानी हेड में फेंक रहे हैं, है ना कितनी प्यारी जगह। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो सारे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।